हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, BNMU यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom में नामांकन के लिए जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई किए थे और सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया, यानी कि नॉट सिलेक्शन हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वो जो है किस प्रक्रिया द्वारा नामांकन ले सकेंगे इस वीडियो में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं, मेरे नए साथी हैं, मेरे नए दोस्त हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इस तरह से आपको बेल आइकन मिलेगा, आप इन्हें भी प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एडमिशन ले पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट ऐड कॉलेज ऐड करने के संबंध में छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जा कर के व्यू टोटल रजिस्ट्रेशन विथ स्टार्ट एंड क्लोज डेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू टोटल रजिस्ट्रेशन विथ स्टार्ट एंड क्लोज डेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है व्यू टोटल एडमिशन पर आपको क्लिक करना है। टोटल एडमिशन पर, टोटल एडमिशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितना सीट साइंस में खाली है, आर्ट में कितना खाली है, कॉमर्स में और टोटल में कितना खाली है, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा जो है लिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे व्यू पर अगर क्लिक कीजिएगा तो किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दे दिया है नीचे में, यहाँ पर जिस कॉलेज में उस सब्जेक्ट का सीट खाली हो आप उस सब्जेक्ट और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दिशा निर्देश क्या है वो आप अब देख लीजिए आगे क्या कहा गया है। कॉलेज और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन करना है। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर और आईडी पासवर्ड जैसे ही फिल करते हैं तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के पश्चात सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन टैब जो होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि वो आपका कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज ऐड करने का नियम क्या है, नियम दिया गया है। यहाँ पर आप 5 या 5 से अधिक भी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। इसके लिए एडिट ऑप्शन पर क्या करना है, आपको बटन पर क्लिक करना है। कॉलेज का चयन आपने नहीं किया था वह कॉलेज आपको सूची में दिखाई देगी, जिसका आप जो है चयन फर्स्ट बार में नहीं किया था। इस सूची से आपको क्या करना है, कॉलेज का चयन करना है। इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। कॉलेज जो आप सेलेक्ट कीजिएगा अतिरिक्त कॉलेज, उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका कुछ पेज खुलेगा। यहाँ पर जो है आप कॉलेज सिलेक्शन ज़रूर कर लीजिए। यदि आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पर विषय 200 रुपया देना होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ध्यान आपको यहाँ पर एक बात रखनी होगी, यदि आपका नंबर कम है, मान लीजिए 250 से भी कम है या फिर 270 से भी कम है, तो आपको वैसे कॉलेज का ऑप्शन चूज करना है जिसका कट ऑफ बहुत ही कम गया है, जिसका कट ऑफ बहुत ही कम गया है, नहीं तो फिर से हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाए। तो आपको अगर नंबर कम है तो निश्चित रूप से वैसे कॉलेज का चयन कीजिए जैसे कि कम कट ऑफ पर लिया है। यदि आप कट ऑफ देखना चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ जिससे पहले जिस कॉलेज में अप्लाई किए थे उसका कट ऑफ कितना गया है, उसके लिए हम जो है वीडियो बना दिए हैं नीचे, लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप एक से अधिक कॉलेज को चूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पेज और दिया गया है सब्जेक्ट ऐड करने के नियम। यहाँ छात्र छात्रा एक से अधिक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए छात्र छात्रा को
प्रति विषय 200 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है यदि आप चेंज करना चाहते हैं या फिर और कोई दूसरा भी देना चाहते हैं, तीसरा भी देना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो आपको पर सब्जेक्ट 200 रुपया अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कीजिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, और यहाँ पर आप जो है सब्सिडी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर एक और दिशा निर्देश दिया गया है, यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका डिग्री सेलेक्ट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यदि आपको डिग्री या सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, आप इसके लिए योग्य नहीं, आपका नंबर बहुत कम है, इसलिए आपका मान लीजिए जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं उसके लिए नंबर आपका पर्याप्त नहीं है। तो जो आपको जो है यहाँ पर शो करेगा आप वही सब्जेक्ट रख सकते हैं ऑनर्स में, ठीक ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, और जो भी आपका पहले फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन वह तो बंद हो ही गया है। आप एजुकेशन डिटेल में अपनी प्रीवियस एजुकेशन चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का भी, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर एक दिशा निर्देश और दिया गया है, जिन छात्र छात्राओं ने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, देख सकते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वह सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यानी कि वह जो है सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते जो एडमिशन ले लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।